ए हेलो दोस्तों, हाय। आई एम SKGNAD AZ ब्लॉक्स में आप लोगों का स्वागत मैं करता हूँ। मैं यूपी के आजमगढ़ ज़िले में मेरा घर है और ये मेरे घर के बाहर कुछ कुछ ऐसा व्यू है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसको यूपी के आजमगढ़ ज़िले में ये हथिया गांव है, जिसको हथिया जंगल भी लोग कहते हैं। अरे ये बहुत पुराना प्रसिद्ध गांव है, जहाँ पे इसकी बहुत ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉक में मैं दिखाना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को कुछ ऐसा व्यू दिखाना चाहता हूँ। जो ये नदी है, नदी के बारे में कुछ बताएं। ये बहुत प्रसिद्ध नदी है, जिसको टाउंस नदी के कहते हैं। और ये देखिए, इधर कुछ व्यू ऐसा मैं दिखाना चाहता हूँ। एक ज़माने में राजा रानी यहाँ पर लोग रहते थे, और ये उनके मतलब ये जो ईटी है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जूम करके ये जो ईटी देख रहे हैं, ये ईटी एक गुफा थी जो राजा रानी के ज़माने में लोग इसमें आने जाने का रास्ता था। ये भी मैं ये सुना हूँ, मुझे पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैं तो यहीं पर रहता हूँ। ये मेरे घर के बाहर के पानी के अंदर जो ईटी है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसी ईटी पता नहीं कितनी पानी के अंदर जो दबी हुई है। और ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, ये मेरा घर है। मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा घर है, जो मेरा खुद का अपना नहीं है, भाड़े का मकान है। मैं भाड़े के मकान में रहता हूँ। पानी जब बाढ़ आती है तो मेरे घर के दरवाजे पर पानी चढ़ जाए, कभी कभार तो पानी घर के अंदर भी चला जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये गांव है, जिसको जंगल भी पहले के लोग कहते थे, हथिया जंगल। इस जंगल में जाने से लोग डरते भी थे, पर अभी तो यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, पहले भी रहते थे। तो वो समय नहीं था जो समय पहले मतलब था, मतलब इंसानों के अंदर चेंजिंग आने लगी, लोग पढ़ने लिखने लगे, बाहर जाने आने लगे, तो बहुत सी चीज़ें। अब इसमें तो यहाँ पे आगे पुल भी बन गया है, आगे घोरी शंकर घाट है। मतलब गौरीशंकर घाट, यहाँ पूजा पाठ होती है, मंदिर है। और ये थोड़ी सा आगे पहले यहीं पे एक मस्जिद भी है, उसके आगे बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है बहुत आगे। मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगा, और इस जंगल के अंदर घूमने घूमने जब जाऊंगा तो वो भी मैं आप लोगों को इसी तरीके से दिखाता रहूँगा हर अपने ब्लॉक में। अब मैं आगे इसके बारे में फिर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम बात करूँगा। इसके लिए बस नहीं, ओके बाय।